आपको बता दें, पूरा मामला बांदा मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव का है, जहां दो दिवसीय विराट दंगल व मेला 25 और 26 दिसंबर का आयोजन का समापन हुआ, जहां पर उद्घाटन फीता काट कर राजेश यादव मोतिहारी प्रधान ने कुश्ती का शुभारंभ करवाया, जहां पर बुंदेलखंड क्षेत्र के नामी गामी पहलवान बुंदेलखंड केसरी, पंजाब केसरी, हरियाणा, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा आदि विभिन्न क्षेत्रों से पहलवान विराट दंगल में अपने अपने दांव पेचुआ करतब दिखाया। आयोजनकर्ता श्री रामकिशन प्रजापति उर्फ लल्लू पहलवान जी ने बताया कि इस दंगल में जीतने वाले पहलवानों को उचित इनाम व पुरस्कारों से नवाजा गया है। स्थान गोसाई तालाब के बगल वाले मैदान में मवई बुजुर्ग यह दंगल हर वर्ष 25 व 26 दिसंबर को होता है, जहां पर दूर दराज से लोग यहां का दंगल देखने आते हैं, जिसमें पहली कुश्ती में पहलवान शिवमंगल बड़ोखर विजय हुए। दूसरी कुश्ती शिवविलास पलरा व हरेंद्र हरियाणा के बीच हुई, जिसमें पलरा के शिवविलास ने शानदार जीत दर्ज की। फाइनल कुश्ती तीसरी कुश्ती में मवई बुजुर्ग के छुट्टन व नजाकत बांदा के बीच हुई, जिसमें मवई बुजुर्ग के पहलवान छुट्टन ने कुश्ती जीती। जीतने वालों को आयोजनकर्ता रामकिशोर प्रजापति उर्फ लल्लू पहलवान ने व बलदेव प्रसाद वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जितेंद्र गजेंद्र प्रजापति, यश कुमार, पब्बन, बराती लाल, राजेश यादव, मोतिहारी प्रधान सहित अन्य लोग दंगल में मौजूद रहे। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? सत्यम प्रजापति। किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पर क्या? ये दो दिवसीय मेला जो हर वर्ष लगता है, उसी बार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दो दिवसीय मेला रखा गया, जिसमें दंगल का आयोजन भी किया गया है। साथ ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ। किस किस जिले से यहाँ व्यक्ति आता है इस मेले में? इस मेले में ज्यादातर व्यक्ति आते हैं दंगल की वजह से, बहुत दूर दूर के पहलवान भी आते हैं हमारे यहाँ। क्षेत्रीय पहलवान तो पूरा ही उपस्थित होता है, खासकर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चलकर प्रधान आते हैं। पहलवानों के लिए कुछ राशि आपको मालूम है क्या रखी गई? पहलवानों के लिए हमारे यहाँ 1000 से लेकर के 51000 तक का इनाम भी दिया जाता है। क्या नाम है आपका? सत्यम प्रजापति।